किसान भाइयों नमस्कार। किसान की सोच यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों आज हम आए हैं गांव नंगली साधारणपुर और भाई के पास में। भाई का इंट्रोडक्शन लेंगे। जी क्या हाल चाल? बढ़िया जी। भाई से मैं थोड़ा सा अपना नाम दे दो। मेरा नाम प्रिंस है जी, गांव साधारणपुर है। अच्छा, पिताजी का नाम? धनवीर फौजी। धनवीर फौजी, बहुत बढ़िया। तो आप गन्ने की जो खेती कर रहे हो सिंपल विधि की कर रहे हो? हाँ, सिंपल विधि की कर रहे। ये कितने इंच का आपका गन्ना? ये 28 का जी। 28 का। और ये गेहूं की बुआई है शायद? हाँ जी, गेहूं की है जी। बहुत बढ़िया। तो आप नहीं लगा रहे जैसा, मतलब पब्लिक नए नए नुक्ते लगा रही है, और कभी ट्रेंच का लगा रही, कभी पेट्रो का लगा रही, कभी 48 इंच, कभी 45, कभी 42? नहीं जी, हम नहीं लगा रहे, हम तो सादा ही लगा रहे। अच्छा, तो ये जैसा आप विधि से लगा रहे, इसमें क्या लाभ लगा आपको? बस बराबर ही निकला है हमारे हिसाब से, तो बराबर ही निकले। हाँ जी। अच्छा, अब आप एक बात बताओ, हमने ट्रंच का बो दिया और हम लागत लगाओगे उसमें? हाँ जी। तो कम तो लगावे नहीं। हाँ, लागत हर, तो हर किसान ये सोच रहा कि लागत सीजल लगाओ, सीजल तो उसका गन्ना भी सीजल होगा। हाँ, यही बात है। अब इसमें हमने नीचे से लेके चले, हमने इसमें नीचे पावर जेल लगाया और प्लस कीड़े की दवाई लगाई। तो पावर जेल क्या है? पावर जेल ब्यात करे जी, मतलब कोई टॉनिक है। हाँ जी जी, वो ब्यात करे है और उससे मतलब कीड़ा वीड़ा, मतलब कीड़े की दवाई नीचे से गैर कर, मतलब वो पेंडे पे ही हम डाल के चल रहे शुरू से। हाँ जी, डाई में। अच्छा, उसके बाद इसका ध्यान रखो, सबसे ज़्यादा रोग आता है चिट्टी का। चिट्टी का? अगर चिट्टी के रोग से तुम ईंख को बचा रहे हो जी, तो ईंख की बढ़वार रुकेगी नहीं जी। अगर चिट्टी का रोग आता है तो ईंख की बढ़वार रुक जाती है। तो चिट्टी का ध्यान रखना, चिट्टी का ध्यान रखना। तो और जैसे फटेरा घेर दिया हमने जी, फटेरा होगा खाली कनसवे के लिए हो गया, ठीक है जी? ठीक। तो कनसवा की उसमें घेर के किसान ये हो जा कि हम फ्री हैं अब। हाँ, कंधे पे चद्दर धर लेगा, हम फ्री हैं। हाँ, हम नहीं फ्री नहीं हो पाता। सही कह रहे हैं। जैसे हर मरज की इंसान की दवाई बनी, ऐसी खेतों की दवाई बनी। खेतों की दवाई बनी। हमने हर समय पे जैसे जोंडा कीड़ा आता रहे उसी तरीके से दवाई देते रहे। यो जैसे आप बता रहे हो, यो आपने काफी आपका अच्छा खेत खड़ा, यो आपने कौन सी तारीख में बोया था? यो जैसे गेहूं कट गए थे तो लगभग ध्यान नहीं, 8 तारीख के लपेट में बोया था, मई में। हाँ जी, 8 मई के आसपास। हाँ जी। तो पड़े करके बोया है सुख? नहीं, पड़े करके बोया जी। पड़े करके बोया। हाँ, तो फिर तो 8-10 मई का आपका खेत है। जो जैसे ये खेत, प्रिंस भाई एक बात और बताओ मुझे। हाँ, आपका खेत बिल्कुल साफ पड़ा? हाँ जी। तो आपने खुदाई करवाई, नड़ाई करवाई, या मतलब कोई दवाई का स्प्रे कराया? इसमें नड़ाई करवाई जी। नड़ाई करवा दी? हाँ जी। और आप इसमें मिट्टी चढ़ा दोगे? ना, मिट्टी नहीं चढ़ाते जी हम। चढ़ाते नहीं? नहीं जी, ऐसे ही रहेगा। हाँ जी। पानी देते रहोगे? हाँ जी। अब इसमें क्या आगे क्या डोज लगाओगे? अब इसमें क्लिंटा लगाऊंगा जी मैं। क्लिंटा? हाँ जी। ये कौन सी कंपनी की? कंपनी तो मेरे ध्यान नहीं, पर क्लिंटा मैंने लगाई है। अच्छा, अच्छी है, उसमें भी क्लिंटा लगाई हुई है उधर भी। वो कौन सा नंबर है आपका? वो भान का जी गन्ना, मतलब फागण वाला जो बोल रहा। हाँ जी। चलो उसे दिखाओ भाइयों। वैसे देखो भैया का जो है, भैया का मानना भी सही है और इनकी बात भी बिल्कुल सही है। क्योंकि जब हमें फालतू कुछ करना ही नहीं और फालतू लागत ही नहीं लगानी, तो अपना 28 इंच का गन्ना भी बो देंगे, वो भी बराबर ही निकल रहा। भाई तो मिट्टी भी नहीं चढ़ाते बिल्कुल भी, फालतू परेशान ना खुद होते ना किसी को और को करते। चलो अगला खेत और देखेंगे। और ये भाई जो है, यहाँ इनकी ये ट्वेल है, रास्ते पर समरसेबल लगा हुआ और भैया ने जो है पक्की नाली बना रखी बिल्कुल आगे तक ही। चलो जी आगे को चलो। तो भाइयों अब हम आ गए हैं प्रिंस भाई के दूसरे फील्ड में, और कमाल ही कर रखा भैया ने। देखो बिल्कुल नीचे जो है साफ है, कपड़ा बिछाने की भी जरूरत नहीं, चाहे आप ऐसे ही बैठ जाओ। और भाई की लंबाई चौड़ाई काफ़ी है और भैया से भी ऊपर निकल रहा खेत। तो प्रिंस भाई आप हमें ये बताओ, ये कौन सी तारीख को बोया था आपने? 28 मार्च को बोया था। 28 मार्च को? हाँ जी। तो ये गन्ना तो आपका कितनी चौड़ाई पे बो रखा है? 28 पे बो रखा जी। 28 पे ही? हाँ जी। 28 मार्च और 28 इंच की चौड़ाई? हाँ जी। भाई बहुत गजब, हमारा मैच मिल गया। तो थोड़ा सा मुझे बताओ, आपने तो मिट्टी बिल्कुल भी नहीं चढ़ा रखी। मिट्टी हम चढ़ाते नहीं जी, मिट्टी से हमें कोई लाभ नहीं दिखाई दिया। कोई लाभ नहीं? अगर गन्ना छोल लेंगे तो पैर मुड़ने की दिक्कत। पैर मुड़े है, सही कह रहे, गिर भी सके किसान उसमें, जैसे पूड़ी लेकर चलेगा। हाँ हाँ, कोई लाभ नहीं दिखाई दिया। जो नीचे का ब्यात है वो भी दब जाओ उससे, वो दबे। हाँ, एक फायदा तो है, अगर उसमें हम हल्का पानी देवे, पौधे को जितना हल्का पानी देंगे उतनी बढ़वार अच्छी करेगा।
बिल्कुल सही कह रहे, आप बाहर आ जाओ थोड़ा सा, आप अपनी पेड्डी और दिखाओ हमें, पेड्डी आगे है, चलो आगे देखते हैं। भाइयों इस खेत का एक कमाल देखो आप, ना तो भाई ने मट्टी चढ़वाई और खेत में एक भी पत्ते पे कीड़ा नहीं है और उंगली धरने को जगह नहीं है खेत में, इतना भयंकर ब्यांत है। तो भाई का मानना यो है कि हम क्यों करें ट्रेंच का ही, जब हमारा यो ही खरीद उतार रहा। बात इनकी भी सही है, सोचने वाली बात है। चलो भाई के आगे पेड्डी देखेंगे। भाई ये प्रिंस भाई का जो है पेड्डी का खेत आ गया, ये जो इधर है बुहेर है, सबसे पहले जो है घिमो की है और ये देख लो ये बिल्कुल तैयार खड़ी है। तो प्रिंस भाई इसमें आपने मट्टी वगैरह इसमें भी नहीं चढ़ाई? नहीं जी कुछ नहीं। चढ़ाते ही नहीं आप? नहीं चढ़ाते नहीं। अच्छा बहुत बढ़िया, तो ये तो आपने किसान भाइयों को और भी काम आसान कर दिया। अन्य बहुत भाइयों को ये परेशानी रह रहती कि मतलब मट्टी चढ़ाओ ये करो वो करो, तो यो खेत परे तक ऐसे ये सदी भी दिखाई? हाँ जी सदी भी दिखाई। यो कितने इंच पे बो रखा आप? 28 पे बो रखा जी। 28 पे है यो? हाँ जी। तो आप मतलब सारे गांव में ऐसी बो में या मतलब आप ही बो रहे इसे इस विधि को? नहीं ज्यादातर इस विधि को ही बो रहे हैं, अभी वैसी विधि को कम बो रहे हैं। तो लाभ मिला इससे? हाँ जी हमें तो इससे लाभ दिखाई दे रहा जी। आगे भी बोने का यही विचार है? हाँ जी यही विचार। तो आपके हिसाब से इसमें जैसे 5 बिस्से के हिसाब से बिगा यहाँ पे, हाँ जी कितना कितना मतलब एवरेज आ जा? 80 का एवरेज है, 80 में 80 का आ जा। इतना तो हमारे वहाँ पर है 7 बिस्से में एवरेज ले में। इसमें आप ये बता दो तुम ईमानदारी से बिल्कुल सच्ची सच्ची बात, इसमें आप क्या क्या डोज लगाओ? डोज तो इसमें ऐसी है जी जैसे शुरू में पावर जेल वगैरह वगैरह की स्प्रे कर शुरू कर से लेकर चले हम, शुरू जैसे इसमें शुरू करा हमने हाँ। तो पेड्डी कट तो ही एकदम स्प्रे, इसमें कीड़े की जी प्लस ब्यांत की स्प्रे करवा दें जी। मतलब पेड्डी कट तो ही यो जमीन से कटी पोगा छोड़ा आपने? यो पोगा छोड़ा जी। अच्छा पोगा छोड़ा? हाँ जी। अच्छा अच्छा तो इतना घिन का पोगा कैसे छोड़ दिया? छोड़ दें? हाँ जी। तो मतलब बिल्कुल सख्ता ही दिखाई होगी आपने? हाँ जी। तो पोगे के बाद में जैसा आप बता रहे हो पोगा कट तो ही पत्ती फलाई? हाँ जी। पत्ती फला तो ही एकदम आपने दवाई कर दी? दवाई कर दी। उसके बाद? उसके बाद बस क्लिंटा एरिया इसमें कनसवे के लिए। क्लेंटा कोई बनी हुई दवाई है कोई देसी है मतलब कोई कंपनी की है? कंपनी की है जी। तो उसका पूरा परफॉर्मा मुझे दियो। अच्छा। क्योंकि वो बहुत किसान भाई वो पूछेंगे कि ये दवाई है कौन सी। हाँ जी। या मैं आपका नंबर डाल दूंगा आप उन्हें पैकेट से बता दियो। अच्छा जी। है ना। और फिर उसके बाद सारी दवाई जो सरना वालों के हिस्से घेरता हूँ उन पे ही मेरा भरोसा है। ये कहाँ पे है? ये मवाने में जी। मवाने में? हाँ जी। सरना वाले? हाँ जी। अच्छा तो भाइयों मवाने क्षेत्र वाले देख रहे हो तो भाई वहाँ से दवाई ले लियो। आपकी अजमाई हुई बढ़िया दवाई? नहीं जी मैंने जब से होश संभाला हाँ जी मैं वहाँ से ही दवाई दे रहा हूँ, और कहीं से घेरी भी नहीं। अच्छा। जैसे और कहीं से घेर के देखी तो मुझे रिजल्ट नहीं मिल पाया। सही नहीं मिला। तो भाइयों आप देख लो जैसे भैया का ये फील्ड है, भैया ने बताया ये बिल्कुल जहाँ तक खंबा है पीछे तक इकसार खड़ा? इकसार खड़ा जी। और तो आपको आप बिल्कुल इस विधि से संतुष्ट है? संतुष्ट है जी। कोई दिक्कत नहीं? नहीं कोई दिक्कत। तो मन में हिलोर सी नहीं आती क्या ट्रंच का वो में? ना 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 जी। अच्छा तो प्रिंस भाई आपने बहुत बहुत हमें सहयोग दिया वीडियो बनाने के लिए, और मैं उन किसान भाइयों को भी बताना चाह रहा हूँ जो किसान भाई ट्रंच का गन्ना बोना चाह रहे हैं और उपकरण है नहीं, तो भाई आप अपनी सदी विधि भी बोलो कोई दिक्कत नहीं है। और जैसा भाई ने मैं कैमरा ऊपर को करके दिखा दूँ काफ़ी बड़ा फील्ड है इसका, काफ़ी बड़ा और बिल्कुल इकसार है। तो अगर आपकी पेड्डी पछेती जा रही है तो आप उसमें पुग्गा छुटवावें। और वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी लाइक करें शेयर करें, और मैं प्रिंस भाई का नंबर डाल दूंगा भाइयों डिस्क्रिप्शन में। ये लीजेंटा कौन सी दवाई थी उनका आप क्लिंटा भैया से इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अच्छा भाइयों।